जबलपुर में निजी अस्पतालों के द्वारा कोरोना मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस तरह के मामले रोज सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रविवार की सुबह का है, जब श्री शुभम हॉस्पिटल में इलाज करा रहे कोरोना संक्रमित मरीज की अचानक मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों को इस बात की सूचना भी नहीं दी, जिससे मरीज की लाश 4 घंटे तक आईसीयू में पड़ी रही, जिससे अन्य मरीज घबरा गए। मरीज के परिजन जब पीपीई किट पहनकर आईसीयू के अंदर दाखिल हुए और मरीज के पास पहुंचे, तब देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। आईसीयू के अंदर अस्पताल का स्टाफ भी मौजूद नहीं था। इस पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि देर रात तक फोन के माध्यम से मरीज से उनकी बातचीत हो रही थी। इस दौरान मरीज ने बताया था कि उनकी ऑक्सीजन की ट्यूब निकल गई है, लेकिन उसको लगाने के लिए आईसीयू में कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। इस पर उन्होंने अस्पताल के संचालक डॉक्टर मनीष शर्मा को फोन लगाकर इस बात की जानकारी भी दी। इसके बाद मरीज का फोन संपर्क टूट गया। सुबह जब वे अस्पताल पहुंचे, तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इस बात की उन्हें सूचना नहीं दी थी। मरीज के परिजनों का आरोप है कि इस अस्पताल में मरीजों का ठीक ढंग से इलाज नहीं किया जा रहा है और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया जा रहा है। अस्पताल के संचालक सहित कोई भी कर्मचारी पीपीई किट नहीं पहन रहा है, जिससे संक्रमण लगातार फैल रहा है। अस्पताल में इसके पहले भी कुछ मरीजों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। इधर हंगामे की खबर मिलने के बाद गढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसने मृतक के परिजनों को समझाइश दी और परिजनों की शिकायत भी दर्ज की है। पुलिस ने उन्हें जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लाश का अंतिम संस्कार किया गया। मैं निखिल जैन, कल मैंने अपने पिताजी विनोद कुमार जैन को सुबह 11 बजे एडमिट कराया इस हॉस्पिटल शुभम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण मैंने यहाँ पर एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद ऑक्सीजन लगा दी गई उनको, थोड़ा भाप दिलाई, और जो हॉस्पिटल प्रबंधन है यहाँ के, जो शुभम अपने मनीष शर्मा जी, उन्होंने पीपी किट पहनी हुई है, ना मास्क लगाया ना ग्लव्स पहने हुए। उसके बाद उन्हें ऑक्सीजन लगा दी गई, उसके बाद से उनको 2 ड्रिप लगाई गई। ड्रिप लगाने के बाद ना उनको कोई ट्रीटमेंट दिया गया, ना कोई मेडिसिन दी गई, ना उनकी कोई जांच कराई। एक जांच कराई उनने ब्लड की, उसके बाद से कोई जाँच ही नहीं कराई, ना कोई डॉक्टर चेक करने आया। दिन भर कोई नहीं मॉनिटर, यहाँ ऑक्सीजन तो मॉनिटर बंद हो जा रहा था, तो नर्स को बार बार बुला रहा था कि नर्स देखिए मॉनिटर बंद हो रहा है, नर्स आ नहीं रही। जब 10 बार बुलाने पर एक बार नर्स आ रही, चेक कर रही, बंद कर रही, चालू कर रही मॉनिटर को, फिर चालू कर रही। तो उन्होंने कहा ठीक, ऑक्सीजन लेवल इनका कम होता जा रहा था, ऑक्सीजन लगी हुई थी, उसके बाद भी कोई चेक करने नहीं आ रहा इनको। फिर रात में मैंने पिताजी को भोजन कराया 10 बजे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी उनको, वो अच्छे से बोलते बता रहे, स्वस्थ थे। उसके बाद मैं रात में डॉक्टर आया, सुपर कोई डॉक्टर आया, उनने ऑक्सीजन लेवल चेक किया, उनने बोला ऑक्सीजन लेवल का उनकी फाइल कहाँ, इनकी फाइल भी नहीं बनाई गई ना कुछ किया गया। फिर मैं रात में चला गया घर, फिर उसके बाद अच्छी थे, इनकी कंडीशन अच्छी थी, सब ठीक थी। सुबह जब आया तो इनका फ़ोन आया, पापा जी का 7:45 बजे, पेट ऑक्सीजन नली निकल गई है, यहाँ नर्स देख के चली जा रही, लगाने वाला कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने मनीष शर्मा जी को फ़ोन लगाया कि सर नर्स सुन नहीं रही है, ऑक्सीजन नली निकल गई है। तो फिर जब शर्मा जी ने फ़ोन किया, जब उनकी ऑक्सीजन नली लगाई गई, फिर उसके बाद 8 बजे तक बात हुई, मेरी कंडीशन उनकी अच्छी थी, सब चीज़ थी, उनने बात की मेरे से 8 बजे तक। फिर उसके बाद 8 बजे के बाद उनका फ़ोन नहीं उठा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ना हॉस्पिटल प्रबंधक से द्वारा मेरे कोई जानकारी दी गई कि आपके पिताजी ऐसे हो गए। ऐसी 2 मौतें और हो चुकी हैं इस हॉस्पिटल में मेरे सामने, अभी अभी घोर लापरवाही हो रही है इस हॉस्पिटल में, ना कोई पीपी किट पहन रहा है, ना मास्क पहन रहा, कुछ नहीं कर रहा है, और पूरी लापरवाही है, मरीजों को देखा नहीं जा रहा है। आज क्या होगा? आज जब मैं सुबह आया देखा तो एक्सपायर हो चुके थे, और ना कोई जानकारी दी गई यहाँ हॉस्पिटल से कि बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, अब जो भी हो। जब मैं इधर पर आया, हिलाया डुलाया पिताजी को, तो देखा यहाँ कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? बॉडी देने की बात को लेके हंगामा हुआ है, क्या हुआ है? नहीं, बॉडी देने के लिए हम लोग घोरा पर लापरवाही हो रही है। लापरवाही, मैं ये चाहता हूँ कि हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई हो, कठोर कठोर कार्रवाई। आपका नाम? मैं निखिल जैन। कहाँ के रहने वाले? संजीवनी नगर घरा। 10:30 बजे के आसपास मुझे हमारे स्टाफ का फ़ोन आया कि शुभम अस्पताल में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट एक्सपायर हो गए हैं और इनके जो परिजन हैं आपको उसे थे। तो मैं और तहसीलदार श्री अनूप श्रीवास्तव, जो गोरखपुर क्षेत्र के, हम दोनों यहाँ पर पहुँचे और स्टाफ के साथ तो यहाँ प्रमोद कुमार जैन, जो संजीवनी नगर निवासी 57 वर्षीय मरीज, जो आज 8:30 बजे के आसपास मृत्यु हो गई, जिस पर उनके परिजन जो है लापरवाही का आरोप लगाते हुए काफ़ी आक्रोशित थे, उन्हें समझाया गया और
इस संबंध में जांच के विषय में उनसे बोला गया तो उन्होंने एक लिखित आवेदन पत्र जो क्षेत्र के तहसीलदार हैं श्री सुरेंद्र सिंह आधार कार्ड क्षेत्र के उनको एक लिखित आवेदन दिया गया है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि हॉस्पिटल में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर कोई लापरवाही की जाएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई की। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770222999।